देखो इंग्लिश में जो एनालॉगीज का पोर्शन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यार यहाँ तो मेरे ट्रिक से आप पूरा 100% स्कोर कर सकते हो। कॉटेज का मेंशन दिया है और पूछ रहे हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो एनालॉगी का मतलब होता है सेम रिलेशनशिप। मैन का अगर चाइल्ड है तो क्या हो जाएगा जी, आप डॉग का पपी कह दोगे, लेकिन अगर मैन का वोमैन है तो डॉग का बिच हो जाएगा। शेफ क्या होता है भाई, शेफ का किचन दिया हुआ है यानी उसकी वर्क प्लेस है, तो सोल्जर का बैटल फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर शेफ का नाइफ दिया है उसका इंस्ट्रूमेंट, तो सोल्जर का गन हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है कॉटेज और मैंशन। कॉटेज कहते हैं छोटा घर, मैंशन बड़ा महल, यानी ये स्मॉल वन और लार्ज वन की बात हो रही है। अब चार ऑप्शन में इसका आंसर वही होगा जिसमें सेम रिलेशन है। डिज़ायर और फ्रस्ट्रेट, जनाब डिज़ायर तब ना पूरी हो तो फ्रस्ट्रेट होता है। ये तो क्या हो गया, एक का कॉज एंड इफेक्ट की बात हो गई। यहाँ हो रहा है कैरेजन एंड फुटबॉल, फुटबॉल के ग्राउंड को कैरेजन कहते हैं। ये आंसर तब हो सकता था अगर क्रिकेट का पिच दिया हुआ होता, या इसी तरह बेसबॉल का ग्राउंड डायमंड कहलाता है, तब कैरेजन और फुटबॉल हो सकता था। हॉर्स और मेल, मेल ये तो मैस्कोनाइन फीमेनाइन है, ठीक है, हॉर्स की बेगम जो होती हैं वो मेयर कहलाते हैं। और जनाब पॉन्ड एंड लेग, यस करेक्ट आंसर यह होगा पॉन्ड एंड लेग। पॉन्ड इज स्मॉल एंड लेग इज लार्ज।